प्यार भरी सत श्री अकाल, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 7:30। आज मैं थोड़ा सा यार लेट हो गया, क्योंकि लेट उठा उसकी वजह से ना आज अपनी लेट पैकिंग हुई है। बैग अपने पैक हो चुके हैं, गुरुद्वारे के अंदर हमने मत्था टेक लिया है, खाना पीना अपना हो चुका है और अभी निकलते हैं। आज मेरे को कम ब्रेकें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर पठानकोट के आसपास पहुंचना है तो पठानकोट इधर से पूरा 140 किलोमीटर है। आज हम कोशिश करेंगे 80 से 90 किलोमीटर तय करने की शाम के 6 बजे तक, क्योंकि कल 6:30 हो गए थे। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार, नींद उससे पूरी नहीं होती। ये मैंने सीख लिया अपने एक दिन की जर्नी से ना, मैंने लेट किया तो मैंने सीख लिया, ये आगे से ये गलती कभी भी नहीं होगी। तो ठीक है, अभी चलते हैं, इधर से निकलते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं। जलंधर की और 20 किलोमीटर है। तो थैंक यू भाजी। तो चलो चलते हैं यार। लो जी, अभी हाईवे शुरू हो गया जलंधर पठानकोट वाला। बड़ी जल्दी है हाईवे पे आ गया। मेरे को नहीं पता था कि इतनी जल्दी मैं हाईवे पे भी आ जाऊंगा, क्योंकि ना कल जब मैं गुरुद्वारा ढूंढ रहा था, मतलब सिटी के बीच बीच से जाकर, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अभी सिटी के बीच आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने बता दिया कि गुरुद्वारे के बैक गेट से निकल जाओ, सीधा हाईवे आ जाएगा। मैं कहा वाह यार सही है। तो अभी हमने हाईवे पकड़ लिया, तो चलते हैं। देखते हैं अपनी पहली ब्रेक कहाँ लगेगी, धीरे धीरे सफ़र अपना तय करते हैं। गलती होगी, लेट हो गए, क्योंकि धूप सिर पे आ गई है बिल्कुल। चलते हैं। और ये आ गई अपने पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अगर आपको पता होगा 130 किलोमीटर है पठानकोट इधर से, और ये सामने इधर साइड देख सकते हो LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। सामने देख रहे हो ना, एक और हाईवे आ गया। हाईवे को देख कर ना सच्ची आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि अभी तसल्ली होने वाली है। डर लगने लग गया हाईवे से, और हाईवे बोल गया मतलब फ्लाईओवर से, है ना, फ्लाईओवर से डर लगने लग गया, क्योंकि जोर बहुत ज़्यादा लगाते हैं यार ये। पर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लिया तो सिटी के अंदर घुस जाएंगे, अगर हाईवे ले लिया तो बाहर चले जाएंगे। हमने बाहर ही निकलना है, तो मजबूरी है, लेना पड़ेगा। एक पहले ये वाला चढ़ा, एक अभी वो सामने आ गया, वो वाला चढ़ना पड़ेगा अभी। एक तो ना गर्मी की वजह से प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और ये सुबह का मेरा आज सुबह का ना 5वां फ्लाईओवर है जो मैं अभी चढ़ा हूँ जिसके ऊपर। और आगे मैंने पूछा 2-3 लोकलों से, बोला आगे कोई फ्लाईओवर नहीं है, प्लेन सा रास्ता है, मज़े से चला जाएगा तू। ओ भाई 5वां फ्लाईओवर, एक चढ़ूँ दूसरा उतरूँ, एक चढ़ूँ दूसरा उतरूँ, तसल्ली होगी। और मुझे नहीं पता था कि पंजाब इधर है ना, जलंधर में भी अपने सब्सक्राइबर भाई लोग हैं और वो वीडियो देखते हैं। तो अभी भैया एक मिले थे, वो काम पे जा रहे थे, तो उन्होंने पहचान लिया, बोले मैं सोच ही रहा था कि आप इधर से निकलोगे और आपसे मुलाकात हो ही गई। अच्छा लगता है यार जब लोग दूर से ही पहचान लेते हैं ना कि हाँ वो मनी जा रहा है, अच्छा लगता है, दिल का सुकून मिलता है यार, अलग ही फीलिंग होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, और अभी पानी की एक और ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा आगे चल के। और अभी ना टेम्परेचर जो दिखा रहा है ना 37 डिग्री दिखा रहा है जलंधर का, और टाइम कितना हो गया, टाइम बज गए 10:24 हो गए। और अभी मैं ना चाय पीने के लिए रुका हूँ इधर में, चाय गर्मा गर्म बना ली है। वैसे मैंने सोचा था कि यार चाय नहीं पीनी जितना टाइम सफ़र करना है ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। जब चाय पी लेते हैं अंदर से ना गर्मा गर्म हो जाता है ना, सही अलग है ना जी, गर्म हो जाता है अंदर से सारा कुछ, तो इसी वजह से। बट यार आपको पता है ना पंजाबी बंदे हैं, तो तलब लग ही जाती है कि यार चाय पी ले पी ले पी ले,
अभी है ना बैग के अंदर सामान भी पड़ा है, मम्मी ने ना घर से बना के भेजा था, निकालने को दिल नहीं कर रहा क्योंकि बैग सारा खोलना पड़ेगा। मैं कहा चल आगे जाके खोलेंगे, अभी चाय पीते हैं 15-20 मिनट रेस्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। और 37 डिग्री भी ना ऐसा लग रहा है जैसे ना 42-43 डिग्री हो, मतलब इतनी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रही है, चिप 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 जाती है यार, वो वाली हो रही है ना, चिपने चिपने वाली है ना। हंस रही है। ठीक है यार, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे की ओर। और मैं सुबह से ना 7:30 शुरू किया था, 10:30 हो गए हैं, 25 किलोमीटर तय कर लिया मैंने अभी तक, अच्छी बात है। अभी ये वाला हाईवे सीधा जाता है पठानकोट को, और सुबह मैं ना एक रोटी खा के आया था तो रास्ते में गुरुद्वारा दिख गया, मैं कहा चलो खाना खा ही लेते हैं यार, पेट में है ना चूहे कूदने लगे, तो सामने गुरुद्वारा है उधर आप देख सकते हो, मैं कहा चलो रोटियाँ खा ही लेते हैं, दोपहर का नाश्ता कर ही लेते हैं, 11:30 तो हो ही गए हैं। सुबह कम खाई इसी वजह से ना भूख लगी, अभी मैं कहा खाली पेट चलाना तंग करेगा, इससे अच्छा हम खा ही ले। जब खेतों वाली साइड आ जाते हैं ना यार, हवा अलग ही हवा हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन बड़ी अच्छी वाली मिलती है। हाय रे बा, थक गए, चलते हैं गुरुद्वारे खाना खाते हैं। भाई है ना स्पेशल सुबह सुबह निकले 50 किलोमीटर लुधियाना से आए हैं भाई इधर मिलने के लिए स्पेशल। तो भैया जी आए एक बार, हाय कर दो। हाय दोस्तों, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अंगद है, वैसे मैं मेरा चैनल इंडियन फ्लाइंग बर्ड है, और मैं बेसिकली मतलब यूपी से हूँ पर लुधियाना में परमानेंट रहता हूँ। अच्छा, और भाई से मॉर्निंग में थोड़ा सा बात हुई और मैं बाइक उठाया और निकल दिया, और काफ़ी खुश हूँ भाई से मिल के, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मनी भाई से मिल पाया, और मैं यही उम्मीद करूँगा परमात्मा से कि भैया की मनी भैया की आज जो जर्नी है जबरदस्त हो एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू जी, थैंक यू। भैया ना वापिस जा रहे थे अभी घर, भैया एक घंटा हो गया पहले उस तरफ निकल के आगे, तो इनको मैं दिखा नहीं, तो फिर ये जब वापिस आ रहे ना तो मैं रोड पे इनको दिख गया, तो भैया ने मेरे को आवाज़ लगा ली, मैं कहा वाह है तो भी अपने सब्सक्राइबर है, जो इन्होंने आवाज़ लगा ली मनी देख कर, तो भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा भैया, थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार देते हो, ऐसे ही प्यार देते रहो। और इधर से है ना जम्मू रह गया 211 किलोमीटर, यानी कि अपना पठानकोट का जो सफ़र रह गया वो 100 किलोमीटर है सर, जो बॉर्डर है इधर से, चलते हैं धीरे धीरे सफ़र तय करते हैं इस तपती गर्मी में। और राइट दोस्तों, दोपहर के बज चुके हैं 1:48, और हम ब्रेक लेने वाले हैं एक लंबी सी, यानी कि आधे घंटे की ब्रेक लेंगे, आज 1 से 3 वाली छुट्टी कर दी यार, क्योंकि है ना मैं लेट निकला तो उसकी वजह से मैंने अपना सफ़र भी पूरा करना है। और अभी तक खाना हम सिर्फ अपना कितना किलोमीटर पूरा किया आपको बताऊं मैं, कितना किया यार दिखा दे यार, दिखाई नहीं रहा, ये देखो 38 किलोमीटर अभी तक पूरा किया है, नहीं तो अभी तक मेरा 50 हो जाता है अगर मैं 7 बजे भी निकलता, मतलब अभी हम आधा घंटा लेट हैं तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें आज कम ब्रेक लेनी पड़ेगी। और गर्मी की वजह से ना गर्म गर्म हवा चल रही है तो सीधा फेस पे आके लगती है ना, चाहे आपने मुंह कवर किया हुआ है तो लिप्स सारे है ना फटने लग जाते हैं और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो पानी पे पानी पी जा रहे हैं, पानी की ब्रेकें तो मैं लेता रहता हूँ 5-5, 10-10 मिनट बाद, छोटी छोटी सी पानी पीते हैं फिर निकल जाते हैं, पानी पीते हैं फिर निकल जाते हैं, बट अभी हम लंबी ब्रेक रहते हैं तो इधर बैठते हैं, इधर लेट जाते हैं यार, घास ही घास लगी हुई है, कितनी ग्रीनरी है ना, इधर लेट जाते हैं 15-20 मिनट रेस्ट करते हैं और फिर निकलते हैं आगे, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है अभी, शुक्र है। हाँ, फाइनली अच्छी सी जगह मिल गई है, और इधर लेट थे अभी आधा घंटा लेट थे, इधर रेस्ट करते हैं फिर निकलेंगे आगे। लो जी दोपहर के बज चुके हैं 2:44,
और एक घंटा रेस्ट कर लिया, ऑलमोस्ट आधा घंटा पता नहीं एक घंटा हो गया, मज़े से नींद ली यार। और नींद क्या मतलब, रिलैक्स करते रहे, सोए तो नहीं, आँख नहीं लगाई, क्योंकि आँख लगाते तो पता लगता कि साइकिल आपका चला गया या कैमरा कुमरा उड़ा के ले गया कोई। आजकल पंजाब के हालात ना ऐसे ही हो रखे हैं, तो डर लगता है हर चीज़ों से, कोई लूट ना ले, कोई कुछ ना कर दे ना। खैर छोड़ो सारी बातें, निकलते हैं अभी, करते हैं अपना सफ़र शुरू इधर से और चलते हैं धीरे धीरे। पानी भी ख़त्म हो गया, अभी पानी आगे भरेंगे यार, कोई पेट्रोल पम्प दिखता है ठंडा सा पानी भरेंगे और फिर निकलते हैं आगे, चलते हैं। तो दोस्तों इधर से पठानकोट है जो जम्मू का बॉर्डर है, वो 84 किलोमीटर रह गया है, यानी कि हम कल को पठानकोट एंटर हो जाएंगे, जम्मू में एंटर हो जाएंगे कल को। तो खुशी की बात है ये कि हमने अचीव कर लिया, पहाड़ी एरिया में हम एंटर हो जाएंगे और गर्मी से थोड़ी थोड़ी हमें राहत मिलनी शुरू होगी। थोड़ी थोड़ी क्यों, क्योंकि जम्मू में भी गर्मी ही है यार। और आज जो टेम्परेचर है ना अभी 37-38 के आसपास है, बट ये भयंकर वाली गर्मी है ना 47 डिग्री से कम नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बुरा हाल हो रखा है यार। और चल रहे हैं हम, और पंजाब के कुछ इस तरह के घर होते हैं बड़े बड़े, देखो जो गांव में रहते हैं ना, गांव वाले घर, खेत हैं जिनके पास, भैंसें रखी होती है जिन्होंने बहुत ज़्यादा, वो देखो कितनी कितनी भैंसें हैं। ये सारे सिटी से बाहर है यार, पीछे खेत हैं इनके, चलते हैं। तो शाम के बज चुके हैं 6 और अभी तक अपना सफ़र है जो कंप्लीट नहीं हुआ, कम से कम 12 से 13 किलोमीटर अभी भी पड़ा है जहां मैंने बोला दसुआ जाने के लिए, और देखते हैं पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। यार पहुंचना तो पड़ेगा, क्योंकि आजकल है ना दिन बड़े हैं और रातें छोटी हैं, इसका फ़ायदा हमको मिल रहा है, क्योंकि 7:30 बजे तक अंधेरा होगा, अपने पास 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में 12-13 किलोमीटर करना आसान तो है ना, कर लेंगे। और बस भगवान करे ना कि जब हम पहुँचे उधर मार्केट खुली हो, क्योंकि मार्केट से मैंने दो चीज़ें बाय करनी है, एक लेना है पिलो जो तकिया होता है ना उसको सीट के ऊपर रखेंगे, अच्छी जर्नी हो जाएगी, और दूसरा पता नहीं यार, दूसरा भी था कुछ पता नहीं, चलो वो बाद में बता देंगे क्या है, बट फिलहाल ये तो तकिए का उतना इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि सीट यार कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है, सच में पिछवाड़ा दर्द करने लग गया, क्या बोलूँ अभी मैं, हाथ लगाता हूँ ना पापड़ जैसा हो रहा है। ओ रब्बा, चलते हैं अभी, करते हैं अपना 12-13 किलोमीटर का सफ़र तय। तो मैं रुका था पीछे साइकिल वाली दुकान के ऊपर तो पीछे साइकिल वाली दुकान पे रुका था मैं, और क्योंकि आप लोग बोल रहे थे ना कि मनी भाई पंप ले लो, पेट्रोल पंप मतलब हवा भरने वाला पंप ले लो, तो हमने बाय कर लिया यार वो पंप, क्योंकि ज़रूरी भी था। मैं सोच रहा था कि पठानकोट से सारा सामान बाय कर लेंगे, बट हमने इधर ही ले लिया यार, क्योंकि मेरे को लग रहा है हवा कम हो गई है इसमें, तो हम सुबह इसमें हवा पूरी भर के निकलेंगे आगे से। और टाइम हो चुका है शाम के 7:30, दसुआ पहुँच चुका हूँ जहाँ मैंने बोला था, अभी दसुआ सिटी से बाहर आया हूँ हल्का सा, क्योंकि जो गुरुद्वारा है ना सिटी से बाहर है वो, तो वो सामने वो मैकडी का साइन दिख रहा है ना बड़ा सा, मतलब दूसरी साइड है उधर में गुरुद्वारा है, उधर में जाके स्टे करते हैं। और तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा, और रहने के लिए हमें कमरा भी मिल गया है, शायद ये वाला है या वो वाला है, मतलब अभी चाबी नहीं मिली, बाबा जी आ रहे हैं चाबी लेके, तो उन्होंने बोल दिया कि आप इधर जाके रेस्ट करो 2-3 मिनट, हम आ रहे हैं। तो ठीक है पहुंच गए हम, कितना किलोमीटर कर लिया आज, 72 किलोमीटर कर लिया,
और अच्छा लग रहा है, अपना सफ़र धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है और कल हम जम्मू में एंटर कर जाएंगे। मतलब इधर से अभी पठानकोट है ना, जो 40 से 42 किलोमीटर समथिंग इतना रह गया, मतलब पास में ही है, तो 2-3 घंटे का रास्ता है, फिर हम जम्मू में एंटर हो जाएंगे। तो मतलब ठंडी ठंडी हसीन वादियाँ आपको दिखने वाली हैं जल्दी। ठीक है, आज के ब्लॉग को हम इधर ही समाप्त करते हैं, खाना पीना खाते हैं, पहले नहाएंगे, फिर गुरुद्वारे जाएंगे मत्था टेकने के लिए, फिर रोटी खाएंगे, फिर सो जाएंगे, ऐसा रहेगा कुछ। तो आज के ब्लॉग को इधर ही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय भारत, जय किसान, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ठीक है दोस्तों।